ओके बच्चों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यूनिट टू पार्ट टू में हम आ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको पार्ट वन, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे आ गया होगा और एंड स्क्रीन में आ जाएगा, उस पर आप जाके पार्ट वन जाके देख लेना, यूनिट टू पार्ट वन, अगर नई वीडियो देखा है तो। उससे मैंने आपको पूरा फंडा बताया था कि आपका प्रोसेसर कॉन्सेप्ट मैंने आपको सीधा यहाँ पर बताया था, आपका विजुअल इंक्लूजन, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मैंने बता दिया था, प्रोड्यूसर कंज्यूमर बताऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी मतलब कॉन्करेंट प्रोसेसेस जो होते हैं, दो तरह के हो गए आपका, राइट, इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिव प्रोसेस, वो बताया था। अभी आपको मैं बताऊंगा प्रोसेसर कॉन्सेप्ट और उसके बाद सीधा मैं आपको ले चलूंगा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के ऊपर ले चलूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद हम ये भी देखें, बहुत सारे देखिए, डेकर सोल्यूशन भी है, पीटरसन सोल्यूशन भी है, सीमा फोर्स है, टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन है, बहुत बड़ी यूनिट है भाई, डार्विन फिलोसोफर प्रॉब्लम, स्लीपिंग बार प्रॉब्लम, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड स्कीम्स एंड प्रोसेस जनरेशन, बहुत बड़ी यूनिट है भाई ये, बहुत बड़ी यूनिट है, मतलब अगर पढ़ाने वाले के लिए भी ना ये नानी याद दिला देगी सच में, राइट। तो हम चलते हैं पहले प्रोसेस कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं सीधा, ये पिछले यूनिट का है तो मैं उसका पार्ट वन का है, तो मैं आपको पहले बता दूं प्रोसेस कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। प्रोसेस कॉन्सेप्ट आपका सिंपल सा आ गया, प्रोसेस एक एक मैंने बताया था, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। एक प्रोग्राम है वो इस समय करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं, सिंपल सी बात आ गई, ठीक है। अब इसे भी प्रोसेस भी आपका आईओ बाउंड प्रोसेस या सीपीयू बाउंड प्रोसेस भी होता है, आपका दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, आईओ बाउंड प्रोसेस और सीपीयू बाउंड भी हो सकता है। ऐसे प्रोसेस जो सिर्फ सीपीयू चला रहा है, ऐसे प्रोसेस जो आईओ चला रहा है, इनपुट आउटपुट के द्वारा चल रहे हैं, तो आपके दो प्रकार के प्रोसेस आपके यहाँ पर और आ गए। फिर इसमें एक आपका आता है कि भाई एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है आपका, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आगे। पहले हम देख लेते हैं भाई होता क्या है आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। अगर हम देखें तो स्टैक, हीप, टेक्स्ट और डेटा, ठीक है, या का डिवाइडेड फोर सेक्शंस। तो आपका जो भी आपका जो प्रोसेस होता है ये चार सेक्शन में डिवाइडेड है, 1, 2, 3, 4। पहला आता है आपका स्टैक, ठीक है। अच्छा, नोट्स मेरी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, मैं नोट्स सारे मैंने डाल दिए, यूनिट टू के भी मैं अपलोड कर दूंगा। स्टैक, हीप, टेक्स्ट और डेटा, ठीक है, इन सब के ऊपर बात होती है, राइट। इधर मेरा पहला वीडियो रेंडर हो रहा है तो मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो स्टैक, हीप, टेक्स्ट एंड डेटा, ये चार तरह के सेक्शन होते हैं। स्टैक में क्या आता है आपका, देखो मैं बता भी देता हूँ, स्टैक में आपका आता है टेम्पोररी डेटा, जो डेटा हमारा टेम्पोररी स्टोर किया जा रहा है, राइट। हीप में आपका आता है हीप होता है आपका डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। आपने मैक्स हीप और मिन हीप पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, राइट, वही कॉन्सेप्ट आ गया इसके अंदर। टू अ प्रोसेस, ठीक है, उसे और ड्यूरिंग इट्स रन टाइम। आई एम श्योर मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी हो रही है, आई एम सॉरी फॉर अबाउट दैट बच्चों। टेक्स्ट में क्या आता है आपका, जो करंट एक्टिविटी है, मतलब प्रोग्राम काउंटर करंट एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर आपने पढ़ा होगा COA में, मैंने पढ़ाया था, याद है क्या होता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो उसकी वैल्यू को है वो हमारा टेक्स्ट डेटा में, टेक्स्ट में आ गया। एंड देन बचा डेटा, डेटा क्या हो गया, ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स, ये सारे जो भी वेरिएबल्स है, ग्लोबल वेरिएबल्स या स्टैटिक वेरिएबल्स, वो सारे आपके आते हैं डेटा के अंदर। तो ये आपका एक प्रोसेस के चार हिस्से होते हैं, हर प्रोसेस में ये चार हिस्से होते हैं, वो मेंटेन करके रखता है। ओके, अब हम सीधे सीधे बढ़ते हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, मैं पेन का कलर दूसरा ले लेता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ स्टेट, एक मैं स्टेट डायग्राम बना रहा हूँ सीधा, प्रोसेस स्टेट या प्रोसेस लाइफ साइकिल, ठीक है, सिंपल बना रहा हूँ मैं, देखो। ओके, मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। पहले गोले बना दूँ,
क्योंकि डायग्राम मैंने बना रखा है, देखो कॉपी में यहाँ पर मेरे नोट्स बनाए हुए थे, उसी में से मैं आपको बता रहा हूँ। और जो नोट्स पीडीएफ में ऑलरेडी हैं वो मैं शेयर में कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसकी मैं पहले तो इनके अंदर लिख डालूँ मैं क्या क्या है। न्यू स्टेट रेडी रनिंग, ठीक है, वेटिंग और टर्मिनेटेड, ठीक है, ये मेरी स्टेट से। अब कैसे कैसे हो रहा है वो देखने का प्रयास करते हैं। तो मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जा रहा है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर मैं येलो से लिख देता हूँ या ऑरेंज से लिख देता हूँ। चलो ऑरेंज कहाँ गया, ऑरेंज है नहीं, चलो इससे लिख लेता हूँ। ये हो गया मेरा, देखो मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, एडमिटेड। प्रोसेस जब एडमिट किया जाता है सीपीयू को तब वो रेडी स्टेट में आता है। नया प्रोसेस सीपीयू जब लेता है तो रेडी स्टेट में आता है, एडमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेडी से अगर वो रनिंग स्टेट में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक चीज़ आती है, डिस्पैच किया जा रहा है रनिंग स्टेट पे, शेड्यूलर को भेजा जा रहा है। अभी शेड्यूलर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिडिल टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ये आपके थर्ड यूनिट के अंदर है सारा। तो ये आपका आ गया शेड्यूलर डिस्पैच, शेड्यूलर भी बोल सकते हो, शेड्यूलर इंग्लिश, ये अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूलर डिस्पैच, क्योंकि मैं ब्रिटिश इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं शेड्यूलर बोलूँगा, राइट। अगर उस समय रनिंग से बीच में कोई इंटरप्ट आ गया, राइट, तो अगर मेरा ऐसे इंटरप्ट आ गया, वापस रेडी स्टेटमेंट पहुंच गया, तो उसके ये क्या हो गया, इंटरप्ट की वजह से, ठीक है, इंटरप्ट। अच्छा, तो उसके बाद हमारा जब एग्जिट हो गया, एग्जिट सॉरी यहाँ से नहीं था, यहाँ से था, अगर एग्जिट हो गया तो किस स्टेट में चल जाएगा, टर्मिनेटेड। अगर अथवा ऐसा नहीं हुआ तो वेटिंग स्टेट में कैसे जा रहा है वो देखते हैं। रनिंग से वेटिंग होते हुए रेडी में भी आ सकता है, किसी के लिए वेट कर रहा हो, अगर आपने प्रिंट एफ के बाद स्कैन एफ दे रखा हो, तब तक वो इनपुट नहीं हुए तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आईओ के लिए या किसी और प्रोसेस की वेट कर रहा हो, जैसे हमने देखा था सिंक्रोनाइजेशन का, तो किसी और प्रोसेस की वेट भी कर सकता है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो आपका रनिंग से अगर मेरा यहाँ पर है और यहाँ से वापस चला गया रेडी स्टेट में, तो दोनों के केस में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है आईओ इनपुट आउटपुट, या इवेंट, या किसी इवेंट के लिए या किसी प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, वेटिंग स्टेट में आ जाएगा। और जब हो जाएगा काम, या आईओ और इवेंट जो है मेरा, आईओ और इवेंट कंप्लीशन, कॉम्प्लीटिशन मत कर देना, कम्प्लीशन है वो, सी ए ओ एम पी एल ई टी आई ओ एन, कम्प्लीशन, कम्प्लीट हो गया। तो आई और इवेंट अगर कोई कम्प्लीट हो जाता है तो वापस रेडी स्टेट में आता है। तो ये मेरा प्रोसेस लाइफ साइकिल है, राइट, ये प्रोसेस लाइफ साइकिल हो गई हमारी, ओके। फिर आपका आता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, सीधा मैं बना देता हूँ, मैं आपको ये कंसेप्ट बता देता हूँ, आई डोंट नो कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, राइट। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में आपका कुछ इस प्रकार का आता है, मैं डब्बा बना दूँ पहले, मैं क्या हो गया, राइट, एक तो मेरा ये हिस्सा खत्म, इसके दो हिस्से कर रहा हूँ, देखो बना रहा हूँ प्रॉपर तरीके से आपके लिए, राइट, कट हो सकता है ये, ओके, देन ओके, देन ये भी बन जाएगा। बच्चों मैं ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये बना के मैं रख लेता, लेकिन बना के रखने में और बताने में साथ साथ फर्क पड़ जाता है, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, राइट, पहले तो मैं इनकी एंट्री करना शुरू कर दूं, पहले मैं क्या है मेरा पॉइंटर,
प्रोसेस स्टेट फिर प्रोसेस नंबर या प्रोसेस आईडी भी कह सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर, मैंने आपको बताया था प्रोग्राम काउंटर वाला कंसेप्ट, तो हर प्रोसेस के पास अपना प्रोग्राम काउंटर खुद का होता है। फिर आपका आ गया रजिस्टर्स, राइट, ये सीपीयू रजिस्टर्स है। देन मेमोरी लिमिट्स, ठीक है। देन वी हैव थिंग कॉल्ड लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, कोई इस प्रोसेस अगर फाइल एक्सेस हो रही है तो कोई ओपन फाइल तो नहीं है। वापस मैं इसको क्लोज करके और बना देता हूँ, ठीक है। और इसके आगे जो भी होगा राइट, ये आपका हो गया। दिस इज योर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल मेरे नोट्स पे दे रखे, मैं आपको शॉर्ट में बताया था फटाफट, ठीक है। प्रोसेस स्टेट पॉइंटर मतलब कि भाई किस, ये प्रोसेस मेरा किस प्रोसेस के बाद आ रहा है, पहले आ रहा है, जो आ रहा है, तो उसका पॉइंटर वाला फंडा होगा, जैसे आपका लिंक लिस्ट होता है। ये जैसे आपका लिंक लिस्ट हो गया, ठीक है। तो आपका प्रोसेसिंग भी इस तरह से होती है, तो ये अवेलेबल आपके पहले स्टेट हो गए इस तरह से, ठीक है। टाफल भी पढ़ रहे हो तो टाफल में भी आपका प्रोसेस और ये स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आता है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी आता है सब। तो ये पॉइंटर्स हो गया आपका। तो प्रोसेस स्टेट में क्या आता है आपका, भाई प्रोसेस स्टेट कोई भी हो सकती है इनमें से, न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड, वेटिंग, कोई भी स्टेट हो सकती है। प्रोग्राम नंबर या प्रोसेस नंबर, प्रोसेस आईडी हो गया, जो आईडी जनरेट होता है, ठीक है वो। फिर प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। और प्रोग्राम काउंटर में आपका ये बताता है कि भाई कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, राइट। फिर आपके जाकर सीपीयू के रजिस्टर्स, जो हाई पावर रजिस्टर्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं आपके, ठीक है। सीपीयू के शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन आपके सब इसके अंदर आती है, सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन भी आती है। तो आपकी ये जो है ना, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यहाँ पर, इनमें, इन सब में सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन आएगी, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन आएगी, मेमोरी मैनेजमेंट आपका मेमोरी लिमिट्स में आ गया कि कितनी मेमोरी में कितनी ले सकता हूँ, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अभी अकाउंटिंग ये अकाउंट्स वाला नहीं है, अकाउंट्स वाला नहीं है, ये योग्य के अमाउंट ऑफ सीपीयू, अमाउंट ऑफ सीपीयू एंड रन टाइम, सीपीयू रन टाइम या रियल टाइम, सीपीयू टाइम और रियल टाइम में क्या इसमें है वो आपका आ गया, रियल टाइम यूज्ड, कि कितना असली समय कितना हुआ, कितना सीपीयू का समय खर्चा हुआ, वो सारा खर्चे का हिसाब आपका अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन में आ जाता है। फिर आपका इनपुट आउटपुट की स्टेटस, आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी, ये और ये, चार तरह की जानकारी और जाती है आपके हर प्रोसेस के पास, पता होता है कौन से शेड्यूलिंग अपनाई जा रही है, मेमोरी के मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है, मेमोरी की लिमिट क्या है, अकाउंटिंग मतलब उसके कितना समय लग रहा है, बर्स्ट टाइम कितना है, अराइवल टाइम कितना है, कितना समय लगेगा एग्जीक्यूट होने में, और आईओ का स्टेटस क्या है, अगर आईओ अगर एक्सेस कर रहा है या वेट करा रहा है, अगर वेटिंग स्टेट में तो आईओ का स्टेटस क्या है, हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ, राइट। ये पूरी जानकारी आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में आपका होता है। देखो इसको पूरा एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, दिस इज योर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, क्या बात क्लियर हो रही है, ओके देन, ठीक है। फिर अपन, ठीक है, मैं अभी इतना ही बताऊंगा, ये पार्ट टू में है, मैं अभी बच्चों प्रोड्यूसर कंसर्न प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक बार मैं और अच्छे से पढ़ लूँ, अगर मुझे अभी भी कहते ना कि सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही अभी भी, तो ये मैंने फिर भी रिकॉर्ड कर लिया आपका 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए थोड़ा समय ले लिया मैंने इस छोटे से कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। ये ज़रूर पढ़ना, पार्ट 3, पार्ट 4, चेक कितने पार्ट्स बन जाए यार इस यूनिट 2 के, एक लॉन्ग वीडियो में बात नहीं बनेगी, लगातार मुझे करना पड़ेगा,
तो मैं लगातार नहीं करूँगा, पढ़ पढ़ के आऊँगा, अच्छे से पढ़ के और इसे समझ के एक स्टूडेंट के जरिए समझूंगा, फिर आपको बताऊँगा मैं, राइट। तो अभी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के ऊपर बताऊँगा, पूरा डिस्कस करूँगा, एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो रहेगी, फिर अलग अलग सोल्यूशंस जो हो रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो बहुत पूछे जाते हैं OS के अंदर, हम उन्हीं को कवर करेंगे, सारा कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ बथेरे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, फिर यूनिट 4 और 5 तो है ही यूनिट्स मतलब भरे हुए, थर्ड यूनिट से भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं आपके, राइट। तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरा वीडियो देखा, और मैं फिर से आप लोगों से जाते जाते कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपवोट करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, क्या लगा, ये सिस्टम कैसा लगा। बहुत मेहनत की है मैंने, मैं 9 बजे से लगा हुआ हूँ रात के, अभी इस समय 2:15 हो रहे हैं, शायद ये इतना टाइम ही होता है जब मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लगातार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अब नींद आ रही है, कल सुबह छाना भी है मुझे तो। लेकिन अब मैं वीडियोस लाना शुरू कर दूंगा, अब मैं ऐसा फुल टाइम थोड़ा मैं यूट्यूब पे ज़रा ध्यान देना शुरू कर रहा हूँ, पर एक बार सिस्टम सेटअप हो गया ना फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हेलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। चलो इनका नाम लेके बंद करते वीडियो।